सभी को टाइम सादर अच्छा हो रहा है। नमस्कार। आज कल्पतरु ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, मैं उपेंद्र कुशवाहा कोषाध्यक्ष, हमारे राजीव कुमार शर्मा जी उर्फ योगी धर्मदास जी, अध्यक्ष प्रेम गुप्ता जी, संयोजक संजय गुप्ता जी, उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वरिष्ठ सदस्य सेवा भारती के डायलिसिस सेंटर अशोक विहार में पहुंचे हुए हैं। हमारे राजीव कुमार शर्मा जी उर्फ योगी जी का कहना है, सेवा करने के लिए धन की नहीं मन की जरूरत होती है। इसी संदर्भ में सेवा भारती भी अपना अमूल्य योगदान समाज के बीच किडनी के मरीजों के साथ निर्वहन कर रहा है। किसी किडनी के मरीज को महीने में लगभग 8 से 12 डायलिसिस करानी होती है और लगभग पूरे महीने का न्यूनतम खर्च लगभग 30,000 से 35,000 के बीच आता है। यदि किडनी का मरीज किसी निजी अस्पताल में डायलिसिस के लिए जाता है तो उसे न्यूनतम 3,500 से 4,500 रुपये के बीच में एक डायलिसिस का खर्चा आता है। इसी संदर्भ में नर सेवा नारायण सेवा के रूप में भूमिका निभाते हुए सेवा भारती इस 3,500 से 4,500 रुपए के बीच में होने वाली डायलिसिस सिर्फ 900 रुपए मात्र में कर नर सेवा नारायण सेवा के रूप में समाज में लोगों को निरोग बनाने की और आजीवन सुखी रहने की कामना देती है। इसी संदर्भ में कल्पतरु ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, हम लोग कुछ मेडिसिन जो हमें लोगों के बचे हुए मेडिसिन दान में मिलते हैं, उस मेडिसिन को हम अपनी एक छोटी सी कोशिश से ये जो यहाँ मरीज हैं हम लोग का दो जगह घर, उनको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो मेडिसिन होती है जिनमें ब्लड बढ़ाने का इंजेक्शन, आयरन का इंजेक्शन, प्रोटीन का इंजेक्शन, मल्टी विटामिन की इंजेक्शन, समस्तीपुर मंदिर अंदर बनाए हैं, सेवाकार, गैस की दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ होती है हम कोशिश करते हैं जो जिनकी आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। सेवा के लिए धन की नहीं मन की जरूरत होती है। इस संदर्भ में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपने घर में बची हुई जो भी पुरानी दवाइयां हैं हमें दान दें। दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं भी दवाई है, कृपया हमारे फोन नंबर पर संपर्क करके हमें दान करें। हम इन दवाइयों को, ये जो मरीज जिनको इन दवाइयों की आवश्यकता होती है, हम इन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में हम आज सेवा भारती के अशोक विहार सेंटर पर पहुंचे हुए हैं। यहां लगभग 25 से 26 मरीज हैं। इन सभी मरीजों को हम ये दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप लोग भी नर सेवा नारायण सेवा के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अपने घर में बची हुई दवाइयां हमें दान दीजिए। बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपने आसपास रिश्तेदारों में ये चर्चा करें कि जो आपके पास दवाइयाँ बची हुई है ये कल्पतरु ट्रस्ट के
जो भी पदाधिकारीगण हैं संपर्क करके आप उन्हें दान देने की कोशिश करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।